शाहिद कपूर के साथ फिल्म विवाह में अपनी सादगी और मासूमियत से लोगों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री अमृता राव ने कमबैक कर लिया है। फिल्म इश्क विवाह और मैं हूं ना जैसी फिल्मों में काम कर चुकी अमृता राव आज बॉलीवुड से गायब हो चुकी हैं, लेकिन अपने नए फोटोशूट के साथ अमृता फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। अमृता एक ज्वेलरी ब्रांड की एम्बेसडर बन गई हैं। अमृता ने अपने नए ब्रांड के लिए फोटोशूट करवाया है। अमृता इन तस्वीरों में बेहद खूबसूरत दिख रही हैं। खुद अमृता ने अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। 17 जून 1981 को पैदा हुई अमृता ने मॉडलिंग से अपना करियर शुरू किया था। फिल्म अब के बरस से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन अमृता की पहली फिल्म फ्लॉप हो गई थी। लेकिन शाहिद कपूर के साथ फिल्म स्क्विश चल पड़ी। अमृता की छवि सिंपल गर्ल वाली थी, सीधी साधी लड़की की छवि वाली अमृता को नौजवान बहुत पसंद करते थे। साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म विवाह में अमृता को काफी पसंद किया गया। विवाह में अमृता शाहिद की जोड़ी इतनी हिट रही कि शाहिद की उस दौरान रही गलत प्रेम करीना कपूर तक सीमित हो गई थी। कहा जाता है कि साल 2007 में हुए शाहिद करीना के ब्रेकअप की एक वजह अमृता राव भी थी। शाहिद की अमृता से बढ़ती दोस्ती को लेकर कई बार उनमें लड़ाई हुई थी। बाद के दिनों में अमृता की कई फिल्में फ्लॉप हो गई। बॉलीवुड में उन्हें काम मिलना बंद हो गया। अमृता ने साल 2012 में करीना कपूर के साथ फिल्म सत्याग्रह में काम किया था। बॉलीवुड में अमृता को फिल्में मिलनी बंद हुई तो उन्होंने सीरियल का रुख किया। आखिरी बार अमृता सीरियल मेरी आवाज ही मेरी पहचान है में नजर आई। साल 2016 में अमृता राव रेडियो जॉकी अनमोल के साथ शादी के बंधन में बंध गई। दोनों एक दूसरे को पिछले 7 वर्षों से जानते थे। परिवार के सदस्यों और चुनिंदा मित्रों की उपस्थिति में रविवार को दोनों ने शादी की। अमृता इन दिनों सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, लेकिन बॉलीवुड में वो कहीं दिखाई नहीं पड़ती।